डिस्क्लेमर, यह वीडियो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है और यह बिल्कुल वास्तविकता से परिचित रखती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने बीच में अधूरी ये वीडियो छोड़ दी तो आपको शायद से आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। तो धन्यवाद, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिलायंस जियो अपना नेटवर्क जो उनका अनलिमिटेड डेटा वो दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो मार्च 2017 तक एक्सटेंड कर सकता है शायद। उसके बारे में मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया था उस वीडियो में, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। मुझे कई बहुत दो या तीन प्रूफ मिले हैं कि जिसके जरिए रिलायंस जियो अपनी ये सर्विस एक्सटेंड बिल्कुल कर सकता है। तो जानते हैं प्रूफ कौन कौन से हैं। तो पहला प्रूफ ये है इसके बारे में कि रिलायंस ने ये अपना टारगेट सेट किया था कि वो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेगा दिसंबर 2016 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए वो अपनी जो सर्विस है डेटा सर्विस फ्री जो अनलिमिटेड सर्विस दे रहे हैं वो मार्च 2017 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात हम करते हैं तो वो है कि हमें से बहुत सारे यूजर्स को सिम कार्ड है वो टाइम पर नहीं मिला, सिम कार्ड हमें टाइम पर नहीं मिला। कुछ यूजर्स अब खरीद रहे हैं सिम कार्ड, कुछों ने अभी एक महीना पहले खरीदा है, लेकिन जिन्होंने जब प्रीव्यू ऑफर चल रहा था, जिन्होंने जब सिम कार्ड खरीद लिया उन्होंने बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है सिम कार्ड का। एक और वजह बन सकती है रिलायंस के ऑफर को मार्च 2017 तक एक्सटेंड होने के लिए कि रिलायंस के जिन यूजर्स को सिम कार्ड टाइम पर नहीं मिला, मतलब उन्हें सिम कार्ड अभी मिल रहा है और वो 31 दिसंबर तक खत्म हो रहा है, तो रिलायंस अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए या हम कह सकते हैं अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए वो अपनी सर्विस को मार्च 2017 तक एक्सटेंड कर सकती है, ताकि उनके नए कस्टमर्स को भी पूरा पूरा फायदा मिले हर चीज। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अभी हाल ही में रिलायंस की जो कॉल ड्रॉप्स हो रही थी बहुत सारी, इंटरनेट की स्पीड एकदम स्लो हो गई है, जो पहले कहां 50 एमबीपीएस आती थी वो अब 2 एमबीपीएस भी नहीं रह गई है, 2 एमबीपीएस से भी कम आती है स्पीड। तो इसको लेकर ट्राई ने रिलायंस पे कुछ फाइन लगाए थे जिसके जरिए रिलायंस अपनी ये स्पीड और अपनी कॉल ड्रॉप्स है उसको कम करने लगा है। आजकल तो कॉल्स होने लगी है लेकिन पहले के टाइम में हर बात पे कॉल और बिजी पर्सन स्विच ऑफ ये सब जाता था। तो रिलायंस अपनी सर्विसेज को अच्छा करेगा इस सर्विसेज को दूसरे यूजर्स तक पहुंचाने के लिए, कि दूसरे यूजर्स जो नए नए यूजर्स हैं उनको ये दिक्कत परेशानी ना आए और उनको भी एक्सपीरियंस मिले इन सब चीज का, इंटरनेट का एक्सपीरियंस मिले, कॉल का एक्सपीरियंस मिले। तो इसके लिए रिलायंस अपनी सर्विसेज को मार्च 2017 तक एक्सटेंड बिल्कुल करेगा। तो रिलायंस जियो सिम अगर मार्च 2017 तक एक्सटेंड हो जाती है तो दोस्तों ये आपके लिए और मेरे लिए और जितने इंडिया में सब लोग रहते हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। मतलब एक चांस तो और बढ़ जाएगा कि अब से फिर से रिलायंस की दुकानों पर भीड़ भरने वाली है धीरे धीरे, जैसे ये ऑफर ऑफिशियली अनाउंस होगा रिलायंस के स्टोर पर फिर से भीड़ बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों जाओ जल्दी से, गो ग्रैब इट योर सिम नाउ। दोस्तों आपके मन में एक बात होगी कि ये ऑफर है या सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए है या पुराने कस्टमर्स भी इसके अंदर शामिल होंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। पुराने कस्टमर्स अगर आपने सिम पहले से ले लिया है तो आप अभी दिसंबर तक की मौज उठाओ और उसके बाद फिर 3 महीने और एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे मार्च 2017 तक। तो ये ऑफर सबके लिए है, चाहे वो कस्टमर्स पुराने हो चाहे नए हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे आप देखिए एक लाल रंग का बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको दबा दीजिए, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बाय, जय हिंद।